नमस्कार, स्वागत है आपका फूडी साउथ चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध भाजी नुनिया भाजी। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे लोनी कहते हैं, कुछ लोग इसे कुल्फा कहते हैं। आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सड़क के किनारों या बाड़ियों में खरपतवार की तरह उगी हुई होती है। इसकी हरी पत्तियाँ होती है और इसकी डंडियाँ थोड़ी सी लाली मली हुई होती हैं, पर स्वाद में ये बहुत ही अच्छी होती है। चलिए इसे साफ़ कर लेते हैं। इसको साफ़ करने के लिए इसकी जो बड़ी डंडियाँ होती हैं उसे तोड़कर हम हटा देते हैं और जो पतली डंडियाँ या कोमल डंडियाँ हैं उसके साथ पत्तियों को रख लेते हैं। इसको झड़ा लेते हैं ताकि इसमें कुछ चिपका हुआ न रह जाए। इस तरह से इसको साफ़ कर लिया जाता है। उसके बाद हम इसे पानी से अच्छे से दो बार धो लेंगे। देखिए, इस तरह से हम कोमल भाग को उसका रख लेते हैं। दोस्तों, यह भाजी बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इसके औषधीय गुण देखना चाहते हैं तो YouTube पर जरूर सर्च करें। अलग अलग भागों में इसके अलग अलग नाम हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हो सकता है कि इसको बनाने का तरीका भी आपका अलग हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप इसे कैसे बनाते हैं। इसे हम चाकू की सहायता से थोड़ा काट लेते हैं। जब मैंने YouTube पर देखा था तब वहाँ बताया जा रहा था कि ये भाजी यूरिनरी ट्रैक्ट की बीमारियों को ठीक करने में काम आता है। इस तरह से हमने भाजियों काट लिया और धो लिया। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेते हैं 3 से 4 चम्मच और उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच सरसों के दाने और उसे चटकने देते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होते तक गर्म होने देंगे। देखिए, लहसुन का कलर बदलने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। हमने यहाँ 2 लाल मिर्च का उपयोग किया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा भून चुका है दोस्तों। अब और हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और टमाटर को अच्छे से गलने देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लगभग 1 चम्मच। आप नमक की मात्रा अपने अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी, और इन सबको आपस में फिर अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ही ये सब आपस में अच्छे से मिल जाए, हम इसमें 1 कप मट्ठा डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें इमली या अमचूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास ताज़ा मट्ठा अवेलेबल था इसलिए हमने मट्ठा डाला है। बहुत सारे लोग इसमें इमली का भी उपयोग करते हैं। अब हम इसमें उबले हुए मसूर के दाल डाल देते हैं, और मसूर हमने डाल दिया है इसमें, जिसे हमने उबाल लिया था। अब बारी है इसमें डालने की भाजी। भाजी को हम इसमें डाल देते हैं और चम्मच से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि यह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर इसको ढककर पकने देंगे। भाजी को पकने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है, लगभग 4 से 5 मिनट में पूरी भाजी पककर तैयार हो जाएगी। देखिए, इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे से आपस में मिला देते हैं। और अगर आपको नमक की आवश्यकता और है तो यहाँ पर भी नमक डाल सकते हैं। हमने पर्याप्त नमक डाल चुके हैं। अब हम इसको ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच में एक आध बार खोलकर देख लेंगे और चम्मच चला लेंगे। देखिए, भाजी पकने लग गई है। इसे हम ऐसे ही चम्मच चलाकर फिर से ढक देते हैं। भाजी हमारी लगभग पककर तैयार हो गई है।
दोस्तों आपकी भाजी पूरी पककर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने घर पे ट्राई कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। अगर आप किसी और तरीके से इस भाजी को बनाते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।